बच्चे चाहे आम इंसान के हो या फिर किसी सेलिब्रिटी के, उनकी पेरेंटिंग का जिम्मा माँ और पिता का ही होता है। तभी तो कोई भी एक दूसरे की कमी को पूरा नहीं कर सकता है। लेकिन कई बार हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि ये जिम्मेदारी किसी एक को ही उठानी पड़ती है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों ही कल्चर्स में देखने को मिलता है। ये सिंगल डैड एक माँ की तरह अपने बच्चों को पालते हैं और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं। क्या आप देखना चाहेंगे वो सेलिब्रिटी कौन है? तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग एपिसोड में हम आपको दुनिया के 10 ऐसे सेलिब्रिटी से मिलवाते हैं जिनमें से भले ही कुछ ने शादी नहीं की या फिर कुछ की बसी बसाई जिंदगी टूट गई, लेकिन एक सिंगल डैड के तौर पर वो अपने बच्चों की परवरिश बखूबी कर रहे हैं। तुषार कपूर, हिंदी सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर जितेंद्र के बेटे और टेलीविजन क्वीन एकता कपूर के भाई तुषार कपूर को हालांकि बड़े पर्दे पर कुछ खास सफलता नहीं मिली, लेकिन रियल वर्ल्ड में वो एक परफेक्ट सिंगल डैड बनने में सफल रहे हैं। मुझे कुछ कहना है से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले तुषार कपूर को साल 2016 में IVF के जरिए एक बेटे का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्य कपूर रखा। हालांकि इन दिनों तुषार कपूर फिल्मों में तो ना के बराबर ही दिखते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, जहां ये अपने बेटे लक्ष्य कपूर के साथ कई वीडियोस अपलोड करते हुए नजर आते हैं। फिलहाल तुषार अपना ज्यादातर समय बेटे लक्ष्य के साथ बिताना पसंद करते हैं और एक सिंगल डैड के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लियाम नीसन, एक्टर लियाम नीसन को तो आप जानते ही होंगे, जो अपने ऑन स्क्रीन रोल्स में भले ही एक बैडएस डैड के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन जब बात रियल लाइफ की आती है तो नीसन अपने दो बेटों के लिए हमेशा ही डेडिकेटेड नजर आते हैं। नीसन अपनी पत्नी नताशा रिचर्डसन से साल 1993 में ब्रॉडवे पर एक प्ले में प्रदर्शन करते हुए मिले थे, जिसके बाद दोनों ने साल 1994 में शादी कर ली, और फिर शादी के बाद इनके दो बेटे भी हुए, जिनका नाम माइकल रिचर्ड एंटोनियो और डैनियल जैक रखा गया। लेकिन साल 2009 में नताशा रिचर्डसन एक स्कीइंग एक्सीडेंट का शिकार हो गई, जिसमें उनके सिर पर लगी गंभीर चोट की वजह से मौत हो गई। हालांकि इस दर्दनाक हादसे के बाद भी नीसन ने हिम्मत नहीं हारी और वे अपने दोनों बेटों के सिंगल पिता बन गए। यही वजह है कि नीसन न सिर्फ एक शानदार पिता है, बल्कि वे अपने दोनों बेटों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव भी है। करण जौहर, बॉलीवुड के फेमस फिल्म मेकर करण जौहर वैसे तो अभी तक शादी के पवित्र बंधन में नहीं बंध पाए हैं, लेकिन पिता बनने की इनकी इच्छा जरूर पूरी हो गई है। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि बिना शादी किए कोई इंसान भला पिता कैसे बन सकता है, तो आपको बता दे कि करण जौहर साल 2017 में सरोगेसी के जरिए दो बच्चों के पिता बन चुके हैं। इनके दोनों बच्चों में एक बेटी जिसका नाम रूही है और एक बेटा जिसका नाम यश रखा गया है। हालांकि वैसे तो करण एक फिल्म मेकर है, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने काम में काफी बिजी भी रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बहुत ही अच्छे सिंगल फादर है, जो अक्सर अपने दोनों बच्चों के साथ फोटोज और वीडियोस शेयर करते रहते हैं। इसके साथ ही वे अपने बच्चों को ढेर सारा प्यार देने और उनके साथ भरपूर समय बिताने की कोशिश भी करते हैं। ब्रैड पिट, चलिए अब बात करते हैं पॉपुलर हॉलीवुड एक्टर ब्रैड पिट की, जो अपने बच्चों के अकेले पिता है। दरअसल ब्रैड पिट और उनकी एक्स वाइफ एंजेलिना जोली ने साल 2005 में डेटिंग शुरू की, और इसके 3 साल बाद पिट ने जोली के अडॉप्टेड बेटे मैडॉक्स को गोद ले लिया। हालांकि इससे पहले भी पिट ने साल 2005 में इथियोपिया से जहारा, 2006 में शाइलो और 2007 में पैक्स को गोद लिया था। पिट कई मौकों पर पिता होने को लेकर अपनी फीलिंग्स जाहिर कर चुके हैं। वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड के एक्टर ने एक्सेप्ट किया कि वे कई लेवल्स पर बदले हैं और फादरहुड ने उन्हें अधिक उदार बनाया है। पिट की माने तो सिंगल फादर होना अपने आप में एक भावनात्मक बंधन और जिम्मेदारी है, जो हम पर पूरी तरह से हावी हो जाती है, और जब हमारे पास देखभाल करने के लिए एक परिवार होता है तो हम अपने बारे में परवाह करने से ज्यादा उनकी परवाह करते हैं, जो सही मायने में प्यार की असली परिभाषा है। टॉम क्रूज, मिशन इम्पॉसिबल के अभिनेता टॉम क्रूज 3 बच्चों के प्यारे पिता है, लेकिन क्रूज अपनी दूसरी वाइफ केटी होम्स के साथ तलाक होने से पहले ही अपने 2 बच्चे इजाबेला एंथनी क्रूज और कॉनर एंथनी क्रूज के सिंगल डैड रह चुके हैं, क्योंकि केटी होम्स से पहले टॉम क्रूज की शादी निकोल किडमैन के साथ साल 1990 में हुई थी। हालांकि शादी के बाद किडमैन किसी फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से मां नहीं बन पाई, जिसके बाद दोनों ने मिलकर इजाबेला और कॉनर को गोद लिया।
लेकिन किडमैन ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि असल में उनके दोनों बच्चों के साथ उनका बहुत मजबूत संबंध नहीं था और ना ही बच्चों ने कभी उन्हें माँ कहकर बुलाया। यही वजह है कि साल 2001 में जब टॉम क्रूज ने किडमैन से तलाक के लिए अर्जी दी तो बच्चों ने क्रूज के साथ रहना चुना और तब से टॉम क्रूज अपने दोनों बच्चों के सिंगल डैड बन गए। चंद्रचूर सिंह। बॉलीवुड एक्टर चंद्रचूर सिंह ने जब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की थी तब उन्हें कई हिट फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग का जलवा बिखेरा था। हालांकि उनका फिल्मी सफर परवान चढ़ पाता उससे पहले ही चंद्रचूर सिंह एक बड़ी दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसकी वजह से चंद्रचूर काफी लंबे समय के लिए फिल्म इंडस्ट्री से मानो गायब ही हो गए थे। और अब अगर बात करें चंद्रचूर सिंह के सिंगल डैड बनने की, तो साल 2007 से वो अपने बेटे शरणजाई की अकेले ही परवरिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने अपने फिल्मी करियर से ब्रेक लेकर सिंगल फादर के तौर पर अपने बेटे की अच्छे से परवरिश करने का फैसला लिया था। लेकिन एक लंबे समय के बाद उन्होंने एक बार फिर से वापसी की और बीते दिनों चंद्रचूर वेब सीरीज आर्या और अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली में नजर आए थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इस लिस्ट में चलिए अब बात करते हैं दुनिया के सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर्स में से एक के रूप में अपनी पहचान रखने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। रोनाल्डो ने साल 2010 में सरोगेसी के माध्यम से अपने बेटे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के पिता बने, जिसके बाद साल 2011 में उन्होंने ऐलान किया कि वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो जूनियर के सिंगल डैड है। लेकिन असल में बच्चे की माँ कौन है, ये ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि उनके बेटे के लिए भी एक रहस्य बना हुआ है। रोनाल्डो का कहना है कि वे एक दिन अपने बेटे को जरूर बताएंगे कि उसकी माँ कौन है। इसके साथ ही रोनाल्डो की माँ ने तो उनकी माँ डोलोरियस एवेरियो बच्चे की देखभाल में मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। हालांकि साल 2017 में रोनाल्डो एक बार फिर से सरोगेसी की मदद से एक बेटी ईवा और एक बेटा मैटियो के पिता बने और तब से ही रोनाल्डो एक सिंगल डैड के रूप में अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में रोनाल्डो एक स्पैनिश मॉडल जॉर्जिना रोड्रिगेस के साथ रिलेशन में है और इस कपल ने साल 2022 में जुड़वा बच्चों को जन्म भी दिया है। कमल हसन। अब अगर बात करें साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार कमल हसन की, तो भला इन्हें कौन नहीं जानता, क्योंकि कमल हसन एक ऐसे मंझे हुए एक्टर है जिन्होंने साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम किया है, जहां उन्होंने न सिर्फ अपनी लाजवाब एक्टिंग का लोहा मनवाया है बल्कि अपने फैंस के दिलों पर राज भी किया है। यही वजह है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनकी गिनती टॉप क्लास के एक्टर्स में की जाती है। लेकिन आप शायद ही इस बात को जानते होंगे कि कमल हसन जितने कमाल के एक्टर है उससे भी कहीं बढ़कर वो एक परफेक्ट फादर भी है। किसी वजह से साल 2004 में अपनी वाइफ सारिका से अलग होने के बाद कमल हसन ने इस बात को प्रूफ करके भी दिखाया है, क्योंकि अपनी पत्नी से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी दोनों बेटी अक्षरा और श्रुति की परवरिश अकेले ही की है, जहां उन्होंने एक परफेक्ट सिंगल डैड की भूमिका में अपनी हर जिम्मेदारी को बिल्कुल सही तरीके से निभाया है। अशर। अमेरिकन सिंगर रैपर अशर अपने दो बेटों के सिंगल फादर है और एक माता पिता के रूप में बेहतर तरीके से उनकी परवरिश भी कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि उनकी पत्नी रह चुकी एक्ट्रेस टमेका फॉस्टर के साथ अशर ने तब से डेटिंग करना शुरू कर दिया था जब फॉस्टर एक स्टाइलिस्ट के रूप में काम करती थी। फिर काफी समय तक रिलेशन में रहने के बाद आखिरकार साल 2007 में इन दोनों ने शादी कर ली थी, जिसके बाद फॉस्टर ने दो बेटे सिंको एंड नैवियट को जन्म दिया। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद ही अशर ने अपनी वाइफ से तलाक के लिए साल 2009 में अर्जी दे दी। अशर का ऐसा मानना था कि फॉस्टर बच्चों की बेहतर तरीके से परवरिश करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। हालांकि कुछ महीनों तक चली प्रोसेस के बाद आखिरकार तलाक की अर्जी को मंजूरी मिल गई, जिसके बाद से ही अशर अपने दोनों बेटों के सिंगल डैड बन गए। इसके साथ ही अशर न सिर्फ अपने दोनों बेटों का पूरी तरह से ख्याल रखते हैं बल्कि उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी करते रहते हैं। रिकी मार्टिन। एक बेहतरीन सिंगर, सॉन्ग राइटर और एक्टर के रूप में अपनी पहचान रखने वाले रिकी मार्टिन का नाम भी सिंगल फादर की इस लिस्ट में शुमार है, जो अपने जुड़वा बेटे वैलेंटिनो और मैथियो के सिंगल डैड है। हालांकि अपने एक इंटरव्यू में मार्टिन ने यह खुलासा किया था कि उन्हें कई सालों से इस बात का डर था कि वे कभी माता पिता नहीं बन पाएंगे, लेकिन साल 2008 में सरोगेसी की मदद से मार्टिन दो बेटों के सिंगल डैड बन गए,
जिसके बाद कई मौकों पर अपने दोनों बेटों के साथ मार्टिन को स्पॉट किया गया है। मार्टिन की माने तो वे अपने दोनों बेटों के सिंगल फादर बनकर बेहद खुश है। हालांकि इसके बाद मार्टिन ने अपने स्पाउस जुआन योसेफ के साथ मिलकर दो और बच्चे लूसिया और योसेफ को भी गोद लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।